नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करने वाले हैं। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आप देख रहे हैं, ये अल्टो 800 VXI का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। तो जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में। इंफोटेनमेंट सिस्टम के VXI में आपको यही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। LXI लेते हैं तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा, कंपनी फिटेड। तो VXI में आपको यही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो आप देख रहे हैं। VXI प्लस लेते हैं तो उसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। VXI प्लस में आपको काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, टच स्क्रीन। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसमें आपको देखिए इग्निशन जो मिलता है, आपको इग्निशन की आपको इसमें एक की आपको इसमें देखिए रिमोट मिलती है और एक की आपको सिंपल मिलेगी। तो इसमें एक ही की रिमोट मिलती है, एक की आपको इसमें सिंपल दी गई है। VXI गाड़ी अगर आप लेते हैं, अगर आप LXI लेते हैं तो उसमें आपको LXI गाड़ी में आपको दोनों की सिंपल मिलती है, रिमोट की नहीं मिलती। तो चलिए इग्निशन ऑन कर लेते हैं। इग्निशन ऑन कर लिया है हमने, मीटर में लाइट आ जाएगी। इसमें आपको फ्यूल बताएगा, किलोमीटर बताएगा, कुछ वार्निंग लाइटें भी दी गई हैं जो आप देख रहे हैं। तो बात करने वाले हैं हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो देखिए ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें मिलता है। तो इसमें आप इसमें USB ऑक्स के भी ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें मनपसंद के गाने आप सुन सकते हैं कनेक्ट करके। तो ये वाला जो बटन दिया गया है इसमें, ये वाला नोब जो दी गई है, ये क्रोम फिनिश के साथ मिलती है आपको इसमें। ये देखिए वॉल्यूम का भी काम करता है। वॉल्यूम को बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, कम करना है कम कर सकते हैं। म्यूट करना है तो क्या करना होगा, आपको एक बार प्रेस करना होगा तो ये म्यूट हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है तो ये म्यूट का भी काम करता है। प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा इंफोटेनमेंट सिस्टम। देखिए ऑफ हो चुका है। तो ये तीन काम करता है, वॉल्यूम को कम करने का, ज़्यादा कर सकते हैं वॉल्यूम को, और पावर बटन का काम करता है, और म्यूट का भी काम करता है ये वाला। देखिए साइन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको म्यूट का। तो ये तीन काम करता है जो मैंने आपको बताए। चलिए ऑन कर लेते हैं। तो ये अब ऑन हो चुका है। तो इसमें देखिए आपको मोबाइल कनेक्ट करके आप इसमें फ़ोन उठा सकते हैं यहाँ से, और फ़ोन डिसकनेक्ट यहाँ से करेंगे आप, ठीक है। और आप यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं, इस वाले बटन से प्रेस करेंगे तो ये AM पे चला जाएगा। देखिए AM पे जा चुका है ये। प्रेस करेंगे तो ये ब्लूटूथ का भी ऑप्शन इसमें आ जाता है, और मनपसंद के आप गाने इसमें सुन सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके। प्रेस करेंगे तो ये FM पे चला जाएगा। तो यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, FM, AM, ब्लूटूथ का मोड, यानी आप मनपसंद के गाने इसमें सुन सकते हैं। ये डिस्प्ले का दिया है, ये मेन्यू का है। मेन्यू में देखिए सेटिंग में जा सकते हैं, साउंड की सेटिंग कर सकते हैं इस वाले बटन से। इसको प्रेस करेंगे तो ये साउंड की सेटिंग आपको दिखाएगा। बेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको सेट करना है, तो आसानी से कर सकते हैं इसमें। देखिए ये बैक के लिए दिया है, यहाँ से बैक जा सकते हैं। फिर हम बैक आ गए, ये बैक का काम करता है। टेबल को भी एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए जैसे भी आपको एडजस्ट करना है। ये बैक जा सकते हैं, यहाँ से बैक आ गए। तो ये देखिए काफ़ी सारी इसमें सेटिंग दी गई है जो आप कर सकते हैं। बैलेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। बैक चलते हैं, और यहाँ से आप फ़ोन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और FM चलाना है तो आपको यहाँ से मोड चेंज करना होगा। तो FM देखिए FM पे आ चुके हैं हम। इसको प्रेस करेंगे तो स्कैन हो जाएगा।
तो स्कैन होने के बाद क्या होता है कि सारे चैनल आपके ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। इसको प्रेस करने के बाद एफएम पे जाएंगे। जैसे पहले एफएम पे हम गए, एफएम पे देखिए जाने के बाद ये सेट हो चुके हैं सारे चैनल। एफएम पे यहाँ से जाएंगे मोड से, तो ये सारे चैनल आप सेट हो चुके हैं। मैंने स्कैन कर दिया था, यानी इसको प्रेस करा था तो ये सारे चैनल स्कैन हो चुके हैं। देखिए प्रेस करेंगे तो ये सारे चैनल सेट हो चुके हैं। तो देखिए ये सारे चैनल सेट हो चुके हैं। 93 दिखा देता हूँ। तो ऐसे ही सारे चैनल आप सेट कर सकते हैं। देखिए तो काफ़ी अच्छा फीचर्स दिया गया है इसमें। ट्यून भी कर सकते हैं और चैनल को स्कैनिंग भी यहीं से करेंगे आप, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से आपको चैनल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी देखिए 92.7 आ गया। फिर प्रेस करेंगे तो ये फिर 91.1 आ जाएगा। यहाँ से भी आप चैनल चेंज कर सकते हैं, 92.7 देखिए। तो ऐसे ही चैनल को आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, जो कि आपने देख लिया। तो बहुत ही बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है आपको इसमें, जिस रेंज की गाड़ी है। तो समझ गए होंगे आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। इसमें आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। देखिए इसमें आपको फ्रंट के दोनों डोर ही पावर विंडो मिलेंगे, फ्रंट के दोनों डोर, और इसके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो यही था इस वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं जरूर फॉलो करें। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।